हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई और मैं हूं आपकी दोस्त खुशबू। लड़कियां अपनी स्टाइलिश और खूबसूरती दिखाने के लिए इन दिनों काफी हेयर ट्रीटमेंट लेती हैं, वहीं कुछ लड़कियां हेयर स्ट्रेटनिंग करती हैं। हेयर स्ट्रेटनिंग भी कई प्रकार की होती है। स्ट्रेटनिंग रॉड से बालों को सीधा करना या फिर पार्लर से परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग करवाना। इन दिनों महिलाओं के बीच हेयर स्ट्रेटनिंग का क्रेज काफी बढ़ गया है। महिलाएं बालों को सीधा करवाने के लिए रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग जैसे हेयर ट्रीटमेंट ले रही हैं। लेकिन स्ट्रेटनिंग से बालों को काफी नुकसान होता है। स्ट्रेटनिंग करने से बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मॉइस्चराइजर। हेयर स्ट्रेटनिंग से बालों का नेचुरल ऑयल कम हो जाता है, जिसकी वजह से बाल रूखे और बेजान लगते हैं। ऐसे में बालों का ध्यान रखने के लिए उन्हें मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी होता है। सिर धोने से पहले बालों में तेल जरूर लगाएं। हफ्ते में 2 से 3 बार बालों की तेल मालिश जरूर करें। इससे आपके बालों में नमी रहेगी और बाल सिल्की रहेंगे। गर्म पानी से बनाएं दूरी। बालों की देखभाल करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने बालों को गर्म पानी से ना धोएं। गर्म पानी से हेयर वॉश करने से बालों की नमी खत्म हो जाती है, इसलिए आप ठंडे पानी से ही हेयर वॉश करें। बारिश में गीले होने के बाद शैम्पू से अपने बाल धोने चाहिए, क्योंकि बारिश के पानी में केमिकल हो सकते हैं। शैम्पू व कंडीशनर। हेयर वॉश करने के लिए आप अच्छे शैम्पू का इस्तेमाल करें। शैम्पू करने के बाद आप कंडीशनर जरूर लगाएं। कंडीशनर लगाने से बालों की नमी बनी रहती है। कंडीशनर बालों को मुलायम भी बनाता है, इसलिए हेयर वॉश करने के बाद कंडीशनर जरूर लगाएं। हेयर सीरम। हेयर स्ट्रेट करने से पहले बालों में हेयर सीरम जरूर लगाएं। हेयर सीरम लगाने के बाद हेयर स्ट्रेट करने से बालों को कम नुकसान होता है। जब भी आप हेयर स्ट्रेट करने का सोच रही हो तो बालों में पहले हेयर सीरम जरूर लगा लें। ध्यान रखें, कभी भी गीले बालों को स्ट्रेट नहीं करना चाहिए, इससे भी बाल काफी डैमेज होते हैं। हेयर स्पा। बालों की देखभाल करने के लिए हेयर स्पा सबसे बेस्ट है। स्ट्रेटनिंग की हीट से बालों को काफी नुकसान होता है। ऐसे में हेयर स्पा की मदद से बालों को मुलायम बनाया जा सकता है। हेयर स्पा करवाने से बाल सिल्की और चमकदार हो जाते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे टिप्स जो आप हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद अपना सकती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।